ओम शांति। आज 29 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को देह अभिमान और देही अभिमानी दोनों का अंतर समझा रहे हैं। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमें देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। और जो सोल कॉन्शियस हैं उन बच्चों की निशानी है कि वो सदा हांजी का पाठ पक्का करेंगे, बहुत लवली होंगे। जो सेवा बाबा देंगे उसमें वो हांजी करेंगे, कभी क्रोध नहीं करेंगे, सबका रिगार्ड रखेंगे। ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि मैं ये सेवा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। सदा सेवा के लिए हांजी करेंगे, बाबा का नाम बाला करेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। मार्ग पर चलते चलते माया बहुत तंग करती है। बहुत प्यार से बाबा ने समझाने दी, इस माया से बहुत सावधान रहना। माया बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है, आप याद में रहेंगे तो आप विजयी बनेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाबा का शो करना है। तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाबा का शो करना है। सबको बाप का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। क्वेश्चन है, जो बच्चे देही अभिमानी हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? वे बहुत बहुत मीठे लवली होंगे, वे श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, वे कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे, सदा हांची करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे। जबकि देह अभिमानी समझते हैं ये काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी, देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलेंगे, बाबा का पूरा रिगार्ड रखेंगे, कभी क्रोध में आकर बाबा की अवज्ञा नहीं करेंगे। उनका अपनी देह से भी लगाव नहीं होगा, शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इसमें खास भारत, यूरोप आम कहें, क्योंकि भारत तो प्राचीन ही है, ये तो समझते हैं असल भारत ही था। सब धर्म वाले ये तो जानते ही हैं, हम एक दो के पिछाड़ी आए हैं, हमारे आगे भारत ही था, ये तो समझ की बात है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, भारत ही प्राचीन है। उस समय भारत बहुत धनवान था, तो स्वर्ग कहा जाता था। इस समय कोई मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो हर एक खुद समझ सकते हैं, बेहद बाप को नहीं जानते। पुकारते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु बाप की बायोग्राफी का किसी को पता नहीं। पुकार रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बाबा की बायोग्राफी का किसी को पता नहीं। गाया जाता, फादर शोज सन, सन शोज फादर। अब तुम बच्चों को बाप का शो करना है। फादर तो अपना शो नहीं कर सकता, फादर तो बाहर नहीं जाएगा, तुम बच्चों को ही बाप का परिचय देना होता है। ये भी समझते हैं बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनको अगर जानते हो तो आश्चर्य लगता है। हम भगवान के बच्चे दुख में, आयरन एज में क्यों? ये प्रश्न भी तुम्हें पूछना है। पहला प्रश्न पूछना है, तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? पूछने वालों को ज़रूर मालूम है, और कोई भी पूछता नहीं क्योंकि मालूम नहीं। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, ये तो कॉमन रीति से सब कह देते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है। परंतु सर्वव्यापी का कोई अर्थ ही नहीं, दुख हरता सुख करता कहते हैं। दुख मिटाने वाला, सुख देने वाला एक ही चाहिए ना। तुम थोड़ा भी टच करेंगे, समझाएंगे, समझेंगे बरोबर सत्युग में सुख ही सुख था, अभी तो दुख ही दुख है। ज़रूर सबके दुखों को बाबा ने मिटाया होगा, ये तो अति सहज बात है। तुम्हारी समझ में आता है, हम पारलौकिक माता पिता के बने हैं। ये ज्ञान की बातें
अभी यहाँ चलती हैं, सत्यों में नहीं चलती। वहाँ तो न ज्ञान है न अज्ञान है, ज्ञान देने वाला वहाँ कोई नहीं। ज्ञान से तो प्रारब्ध पाली, तुम अब ज्ञान से प्रारब्ध पा रहे हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत की बात है। शिव बाबा की सर्विस में जो तत्पर रहेंगे वही देही अभिमानी बन सकते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर उनकी वो खुशबू निकल जाती है, उनकी चलन से सारा मालूम पड़ जाता कि देह अभिमानी है। देही अभिमानी बहुत मीठे बहुत लवली होते हैं, देही अभिमानी बच्चे बहुत मीठे होते हैं लवली होते हैं। हम एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं, आपस में भाई बहन भी हैं, दोनों ही श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले हैं। ऐसे नहीं कि एक श्रीमत पर चले दूसरा बहाना बनाकर बैठ जाए। श्रीमत पर ना चलने वाले को बाप कभी अपना बच्चा कह नहीं सकते, श्रीमत पर ना चलने वाले को बाप कभी अपना बच्चा कह नहीं सकते। बाहर से भले बच्चे बच्चे कहते हैं, अंदर में समझते हैं ये नाफरमान बरदार है, ये क्या पद पाएंगे। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं, श्रीमत पर अमल नहीं करते, देह अभिमान के कारण श्रीमत पर चलते नहीं। देही अभिमानी बड़े मीठे होंगे। ये आसुरी दुनिया कितनी कड़वी है, माता पिता भाई बहने सब कड़वे। यहाँ भी जो देह अभिमानी हैं वह कड़वे हैं। अभी तो तुम देही अभिमानी बन रहे हो, कोई तो सिर्फ तमो प्रधान से तमो तक आए हैं, सिर्फ प्रधानता निकली है, कोई रजो तक पहुँचे हैं, सतो में तो कोई कोई आए हैं। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आते जाएंगे, कब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे। देही अभिमानी को कभी देह का अभिमान नहीं रहेगा कि ये काम मैं क्यों करूं, इसमें मेरी इज्जत जाएगी। तुम पाकिस्तान में थे तो बाबा भी बच्चों को सिखाने के लिए सब काम करते थे कि देह अभिमान ना रहे, सब काम बाबा अपने हाथ से करना सिखाते थे। बच्चे हर काम अपने हाथ से करें और याद रखें, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, इसलिए बाबा बच्चों से हर काम कराते थे। देह अभिमानी बनने से सत्यानाश हो जाता, बाहर में जो प्रजा बनने वाले हैं उनसे भी गिर पड़ेंगे, प्रजा में जो साहूकार बनेंगे उनको भी नौकर चाकर मिलेंगे। ये तो और ही जाकर नौकर चाकर बनते, इनसे तो वो साहूकार अच्छे ठहरे। बुद्धि से काम लिया जाता, समझ में आता जो बच्चे नहीं बनते सिर्फ मददगार बनते हैं तो भी अच्छे धनवान बन जाते हैं। कोई कोई बच्चे नहीं बनते हैं लेकिन सहयोगी रहते हैं बाबा के कार्य में, वो भी अच्छे धनवान बन जाते हैं। उनको नौकरी करने की दरकार नहीं रहती, यहाँ तो नौकरी करनी पड़ती। पिछाड़ी को करके राजभाग ताज मिलेगा, सजा तो खानी पड़ती है दोनों को। इन सब बातों को ज्ञानी तो आत्मा समझ सकते हैं, अज्ञानी देह अभिमानी हैं। उनकी चाल ही ऐसी है, समझा जाता ये किसी काम के नहीं। यहाँ तो बच्चों को श्रीमत पे चलना पड़े, नहीं तो माया बड़ा धोखा देने वाली है, झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान को मिटाए देही अभिमानी बनने में मेहनत है। यहाँ रहने वालों को तो ब्राह्मणों का संग है, बाहर तो दुनिया बहुत खराब है। ज्ञान में संग ऐसा होना चाहिए फर्स्ट क्लास, जिससे पूरा रंग लग जाए। ज्ञान मार्ग में संग ऐसा होना चाहिए जो पूरा रंग लग जाए। देह अभिमानी का संग मिलने से एकदम मिट्टी पलीत हो जाती है, फिर फरमान पर भी नहीं चलते। बाबा कहते अगर हमसे कोई पूछे तो झट बताएंगे तुम फरमान बरदार हो या नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छे अच्छे हैं जो दिल को खुश करते हैं। दुनिया में बड़ा दुख मारा मारी है, खून खराबा बहुत है, इसको कांटों का जंगल कहते हैं। तुमने इनसे किनारा कर लिया, अब कांटों के जंगल से किनारा कर लिया, अब तुम संगम पर हो। बुद्धि में हम ग्रस्त व्यवहार में रहते संगम पर खड़े हैं, अब हम कांटों से फूल बनते जा रहे हैं, कांटों से पल्लव निकलता जा रहा है। दुनिया में रिलीजियस सिर्फ तुम ही हो, वह भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बाप को ही नहीं जानते वह हुए इरिलीजियस। कहते भी हैं धर्मी और अधर्मी, पांडव और कौरव। पांडवों की स्थूल युद्ध कोई है नहीं, तुम्हारी है माया के साथ गुप्त युद्ध। अगर तुम बाप को याद नहीं करेंगे माया का थप्पड़ लग जाएगा, अगर याद नहीं करेंगे तो माया का थप्पड़ लग जाएगा, तूफान आएगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा मुख उस तरफ, पैर हैं इस तरफ,
हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है, बाबा कहते हैं निर्बंधन हो रहने वालों से गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की अवस्था अच्छी है। सब तो एक जैसे नहीं हो सकते, नंबरवार हैं। स्कूल में कोई एक जैसा नंबर थोड़ा ही लेते हैं, ये भी बेहद का स्कूल है। बाबा सब सेंटर वाले बच्चों का ख्याल रखते हैं, इनको कहेंगे विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। विशाल बुद्धि तब बनेंगे जब बाबा को याद करेंगे। तुम बच्चों के अब विशाल बुद्धि बनी है, तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और सारे चक्र को जानते हो कि कैसे फिरता है, इसे जानते हो। इसको विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि कहा जाता। मनुष्यों की है हद की बुद्धि, तुम बनते हो बेहद की बुद्धि। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है, जितना मीठा बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, उतना वो भविष्य में अविनाशी बन जाएगा। जितना मीठा बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, उतना भविष्य में वो अविनाशी बन जाएगा। देखना चाहिए हमारे में देहाभिमान तो नहीं, अगर कोई काम में ना करते हैं समझा जाता है इनमें देहाभिमान है। सत्युग में सब देहाभिमानी होते हैं, जानते एक पुराना शरीर छोड़ नया लेना है, यहाँ तो कितना रोते हैं। देहाभिमान है ना, देह पे बहुत प्यार है। तुम बच्चों के लिए दुनिया जैसी की है ही नहीं, अशरीरी आए थे, अशरीरी बन के जाना है। बेहद का बाप बच्चों को पढ़ाते, उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बंदर कितना, बंदर कभी किसी का रिगार्ड नहीं रखते, हाथी को भी गुरगुर करेगा। तो जो अंदर के कड़वे रहते हैं उनको बाप सपूत थोड़े ही कहेंगे, कहेंगे इससे तो बाहर रहने वाले अच्छे हैं, रिगार्ड तो रहता है, ये भी ड्रामा ही कहेंगे। आज अच्छा चल रहा है, कल माया का तूफान लग जाता। समझते नहीं कि हम कोई तूफान में हैं। बड़े बड़े को भी तूफान तो लगते हैं ना, फिर भी ड्रामा कहा जाता। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ये भूलने से खाना बर्बाद हो जाएगा। भूल जाने से खाना बर्बाद हो जाएगा, खाना आबाद होगा शिव बाबा के भंडारे से। इनको भूला तो झोली खाली हो जाएगी, प्रजा में भी साधारण पद पाएंगे, सजा तो बहुत खाएंगे। खुद छोड़ने से फिर औरों को भी संशय बुद्धि बनाते हैं। बाबा को तो तरस पड़ता, माया का वार सहन नहीं कर सकते। उस्ताद सिखाते तो बहुत हैं, अचल अडोल रहना है। भले माया आए, आपको अचल अडोल रहना है। नहीं रहते तो बाबा समझते हैं अजन सिल्वर एज तक भी नहीं पहुँचे। वंडर लगता, ज्ञान पूरा ना होने के कारण, शिव बाबा से योग ना होने के कारण गिर पड़ते हैं। तूफान तो क्या क्या लगते हैं, चढ़ना और गिरना ये तो होता ही है। गिर गया फिर उठ खड़े हो जाना चाहिए। हमारा काम शिव बाबा से है, कुछ भी हमको वर्षा शिव बाबा से लेना है। मम्मा बाबा भी उनसे ही लेते हैं, उनको ही याद करना है, उनकी मुरली सुननी है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। हट्टी तो एक ही है, यहाँ आए बगैर मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। बाप के सामने तो आना है ना। हाँ कोई बांधेली है, बाबा की याद में मर पड़ती है, वो भी अच्छा पद पा लेती है। यहाँ जो देहाभिमान में आके अवज्ञा करते हैं उससे उनका पद अच्छा, क्योंकि बाबा की याद में मरी ना, अच्छा सौभाग्य है। इस ज्ञान मार्ग में कोई और तकलीफ नहीं, बड़ा सहज है। यहाँ देहाभिमानी बहुत बनना है, वो देहाभिमान में रहते बाबा तो और कुछ कहते नहीं, सिर्फ दिल से तरस पड़ता है। बाबा तो कुछ कहते नहीं, अंदर से तरस पड़ता है। शिव बाबा के भंडारे से शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ की संभाल कुछ नहीं करते तो क्या पद पाएंगे। इस यज्ञ की बहुत संभाल करनी है। जहाँ भी सेंटर स्थापन होते हैं वह शिव बाबा का यज्ञ है। इस यज्ञ रचने के लिए सिर्फ तीन पैर पृथ्वी चाहिए, बस। कोई बूढ़े हैं, कुछ समझा नहीं सकते, अच्छा फिर कोई बहने व भाई को बुलाओ, एक छोटा कमरा बना दो, बोर्ड लगा दो, बड़ा पुण्य का काम है। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है। बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा लेना है। स्वर्ग का वर्षा मिलता है संगम पर, जबकि पुरानी दुनिया खत्म होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। संगम पर ही वर्षा मिलता है, जो फिर भविष्य के लिए अविनाशी हो जाता है। तुम बहुत समझा सकते हो, सिर्फ तीन पैर पृथ्वी चाहिए, बस एक दो को उठाया
तो भी अहो सौभाग्य, तुम एक ही मंत्र देते हो, मन मना भव, सिर्फ कहते हो बाप को याद करो तो अंत मते सोगति हो जाएगी। बाप स्वर्ग का खजाना देते, सुना बस बुद्धि में बैठा, स्वर्ग में आने के लायक बन गया, जगह देने वाले को हक मिल जाता। बाबा इतना सहज करके बताते, कोई तो सुख धाम का रास्ता बताऊं, प्रजा बनी वो भी अच्छा, नंबरवार बनते जाएंगे। तीन पैर पृथ्वी मशहूर है, इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो, प्रजा भी कहेगी ना हम विश्व के मालिक हैं। ये मकान भी तीन पैर पृथ्वी है ना, शुरू भी तीन पैर पृथ्वी से हुआ, एक कोठी थी, धीरे धीरे बड़ा बनता गया। जब यज्ञ स्थापित हुआ छोटा सा था, फिर धीरे धीरे और मकान बनते चले गए। ऐसे बहुत आएंगे जिनको बाबा कहेंगे तुम ऐसे पैसे क्या करेंगे, तुम्हें बहुत अच्छी राय देते कि तीन पैर पृथ्वी की ले लो, 10-15 हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, अपने गांव में मकान किराए पे ले लो, ये तो सब खत्म वैसे भी हो जाएगा, इससे तो खर्चे में 10-15 सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 10-15 स्थान ऐसे लो जहाँ पर बहुत आत्मा ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करे, सेंटर खोलो, तुम बहुत धनवान हो जाएंगे। तुम छोटी सी जगह में एक कॉलेज खोल सकते हो, तुमको सिर्फ रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है, जगाना पड़ता है। बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार है, और कोई खर्च आदि की बात नहीं, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेंगे, समझाना बड़ा ही सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, फर्स्ट क्लास ज्ञानी तो आत्माओं का संग करना है, देही अभिमानी बनना है, देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है, यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से सेवा करनी है, बहुत लवली मीठा बनना है, सपूत बन के दिखाना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है, सपूत बन के दिखाना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। वरदान है ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी भव। ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी भव। सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे महादानी बन, कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्तियों और गुणों का खजाना भी है, तीनों में संपन्न बनो, एक में नहीं। कैसे भी आत्मा हो, गाली देने वाली निंदा करने वाली भी हो, उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुण दान दो। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली निंदा करने वाली, उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुण दान दो। स्लोगन है, जो एक बाप से प्रभावित है उन पर किसी भी आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ सकता, जो एक बाबा से प्रभावित है उनके ऊपर किसी और का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न महादानी आत्मा हूँ, अपने महादानी स्वरूप में स्थित हो जाएं। बाबा ने मुझे ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न किया है। भले कोई आत्मा निंदा करने वाली है, ग्लानी करने वाली है, मुझे बाबा की याद से श्रेष्ठ स्थिति का सहयोग देना है, परमात्मा शक्तियों से अपने को फुल अनुभव करें। परमात्मा शक्तियां
मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। मैं महादानी आत्मा हूं, शक्तियों से, ज्ञान से संपन्न हूं, भरपूर हूं। अब मुझे श्रेष्ठ स्थिति में टिके रहने का सहयोग देना है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे महादानी बनाया। ओम शांति शांति।